आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 काल। इसमें आज हम काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, आपको बताया। उसमें से आज हम भूतकाल पढ़ेंगे। भूतकाल क्या है? जब क्रिया से काम के बीते होने का पता चलता है उसको भूतकाल कहते हैं, जिसमें काम बीत चुका होता है। देखिए, पहचान में क्रिया के द्वारा क्रिया के हो चुका है काम, वह काम के बीते हुए समय का पता चलता है। समय से काल का, आपको पता है कि काल किसे कहते हैं? समय को। और जो बीत चुका हो उसे भूतकाल कहेंगे, ठीक है। जैसे रजत पढ़ रहा था, तो इसमें रहा था जो ये है, ये क्या है? क्रिया। और ये बीत चुका है कि पढ़ चुका है, मतलब तो रजत पढ़ रहा था, यहाँ ये भूतकाल हो गया। इसी तरह दूसरा देखिए उदाहरण, सृष्टि संतरा खा रही थी। यहाँ पर भी सृष्टि जो है वो संतरा खा चुकी है, मतलब काम बीत चुका है। जो क्रिया है खा रही थी, यहाँ पर जो था आया है, ये क्या बता रहा है? कि ये काम भूतकाल में हुआ है। अब मैंने पेन खरीदा, ये क्रिया जो है ये किसे दर्शा रही है? ये समय को दर्शा रही है कि ये पेन को खरीद चुकी है, ठीक है। मैंने पेन खरीदा, पहले खरीद चुकी है, भूतकाल में ये काम हुआ, तो इससे पता चलता है ये सब भूतकाल में, ये सब भूतकाल के उदाहरण है। समझ में आया आपको? भूतकाल किसे कहते हैं? जब काम बीत चुका होता है, ठीक है। काम के हो चुकने को भूतकाल कहते हैं। इसके आगे हम अगले वीडियो में अगला काल पढ़ेंगे। धन्यवाद।